हरिओम नमो नमः सुप्रभातम। तो करते हैं नए ब्लॉग की शुरुआत और अभी बच चुके हैं सुबह के 11 और हम लोग जा रहे हैं घूमने दादा लोग के साथ। तो देखते हैं कहाँ हम जाते हैं, आपको भी दिखाते हैं, बने रहिएगा हमारे साथ। ये हम निकल चुके हैं घूमने के लिए, देखो मेरे लिए जैसे निर्मला की शादी में जा रहे थे ना, ऐसी हो गया। अभी हम पहुंच चुके हैं बागेश्वर और हम लोग अभी घूमने के लिए जा रहे हैं बागेश्वर साइड ही, तो आपको दिखाएंगे हम लोग कहाँ जा रहे हैं, तो बने रहिएगा हमारे साथ। तो ये बागनाथ मंदिर का गेट है, तो हम लोग पहुंच चुके हैं अभी बागेश्वर। गाड़ी उधर पाल लगा देंगे, पाल लगा देंगे वहां से। ऐसे हम आए थे यहां जाने के लिए, नहाने के लिए आए थे हम, लेकिन यहां नहीं है पानी निकला, पानी यहां तो बहुत पानी हुआ, पानी निकला कोई दिक्कत वाले हम गलत चले गए ना। अभी हम बागेश्वर से थोड़ा सा ऊपर आ चुके हैं और हम लोग जा रहे हैं अभी, देखते कहाँ जाते हैं। तो अभी हम लोग कांडा वाली रोड में आए हैं, तो फिलहाल अभी हम रुके हैं यहाँ पर क्योंकि गाड़ी बहुत लग रही है और हम लोग सब पिचक पिचक आ रहे हैं सब भाई बहन। तो चलिए देखते हैं अब कहाँ तक जाते हैं, अभी हम फिलहाल यहाँ बैठने वाले हैं थोड़ी देर। तो अभी हम बैठ चुके हैं एक जंगल के बीच में, चीड़ के पेड़ों के जंगल में, तो थोड़ी देर यहाँ पर रेस्ट करते हैं, उसके बाद हम लोग अपने सफ़र को करेंगे शुरू। तो हम बैठ के अब जाने लग गए हैं आगे को, तो देखते हैं कहाँ तक हम आज जाने वाले हैं। तो यहाँ पे है नर्सरी, तो यहाँ पे हम रुके थे अभी बागेश्वर से थोड़ा सा आगे। ये देखिए काफ़ी अच्छे पेड़ पौधे लगे हुए हैं यहाँ पर, छतीना पौधालय है ये। तो अभी हम जा रहे हैं घूमने के लिए आगे को, फिर से बैठ गए हम कोची के आगे पीछे हो गए। एक या सवारी हमारी नीचे चली गई थी एक बार, फिर से आ गई है आगे, और अभी दादी को आगे को बैठा दिया। गाने आने को अभी सब सही है, गाने लगाओ। यहाँ की हालत हुई खराब। तो अभी हम पहुंच चुके हैं कांडा और अभी हम यहाँ पर रुके हैं। वही देखिए एक पैसेंजर घायल हो गया हमारा, इसको गाड़ी लग रही है काफी ज्यादा। तो वैसे हम 5 लोग बैठ के आ रहे हैं बीच में। तो अभी हम कांडा से जा रहे हैं नीचे भद्रकाली वाली रोड में, तो आज हम जाने वाले हैं वैसे भद्रकाली मंदिर, तो दिखाएंगे आपको यहाँ का नजारा कैसा है। और ये देखिए फोटो सेशन शुरू हो चुका है रूपू का, और ये तो घायल ही हो रही है अभी। रूपू देख घेव में भी जा सकती है। और ये देखिए यहाँ का नजारा, जो कांटा का क्षेत्र है वो कुछ इस तरह का दिखाई दे रहा है यहाँ से, बाकी नीचे रोड का खुदान हो रखा है, तो इधर साइड को खड़िया काफी ज्यादा होती है, तो खड़िया ही खड़िया दिख रही है। ये देखिए वहाँ नीचे मशीने लगी हुई है, खुदान चल रहा होगा, खनन चल रहा है इधर। और बाकी अभी हम यहाँ पर खड़े हुए हैं छाया में, और बढ़िया मौसम हो रहा है यहाँ पर अभी। ये देखो ये हम कनकन्याऊ कांडा के गांव में पहुँचे हैं, तो यहाँ हमारी यही बूजी का मैत भी है, कल्पना बूजी हम तुम्हारे मैत आए हैं आज, तुम्हारे मैत के क्षेत्र में आए हैं हम। तो अभी हम थोड़ी देर बैठे हैं यहाँ पर, और यहाँ पर भी धूप आने लगी, अब जाते हैं आगे को, करते हैं अपना सफ़र शुरू और आपको दिखाते हैं आज की हमारी यात्रा और दर्शन कराते हैं जहाँ जहाँ जाएंगे वहाँ के। तो चलिए बने रहिएगा, मैं मिलते हैं थोड़ी देर में। ये फिर से चलने लगे हैं, शिफ्ट चेंज हो गया अब फिर से बैठ चुके हैं हम आगे पीछे करके। तो हम लोग कांडा से आगे को जा रहे हैं भद्रकाली की ओर, तो देखिए यहाँ काफी सुंदर से पहाड़ों का सुंदर सा दृश्य दिखाई दे रहा है, तो कितने सुंदर लग रहे हैं यहाँ के पहाड़। तो ये देखिए यहाँ का नज़ारा कुछ इस तरह का है, तो चलिए चलते हैं आगे को और आपको अपना दिखाते हैं आज का सफ़र, आज की यात्रा। तो हम पहुँच गए हैं भद्रकाली मंदिर के पास, तो ये है मंदिर का गेट, यहाँ से हम जाएंगे नीचे को पैदल पैदल, वैसे रोड भी जाती है लेकिन हम पैदल जाने वाले हैं। जय हो मैया। तो अभी हम जा रहे हैं नीचे को पैदल, तो यहाँ से है पैदल रास्ता और ये रोड है। चला बाजा
तो यहाँ के जंगलों में आग नहीं लगी हुई है, तो काफी हरियाली हो रही है, घास हो रही है काफी हरी भरी। ये देखिए कितना मस्त लग रहा है यहाँ, हरा भरा जंगल। ठीटा मिल गया योगू को ठीटा मिल गया। तो हम पहुंचने वाले नीचे रोड पे। ये है रोड और हम आए यहाँ से पैदल। तो हम लोग पहुंच गए हैं नीचे रोड पे और यहाँ से अभी नीचे हमने मंदिर की ओर पैदल जाना है। और यहाँ से काफ़ी सुंदर सा मौसम भी दिखाई दे रहा है, काफ़ी अच्छा मौसम भी हो रहा है यहाँ। और देखिए चारों ओर कितना बढ़िया लग रहा है। तो हम लोग ऊपर से पैदल आए थे, तो अभी हम जाएंगे हम नीचे को मंदिर को पैदल। तो हम पहुँच चुके हैं मंदिर प्रांगण में। तो ये मंदिर गेट तो अभी मेन मंदिर है वो और नीचे है, तो हम यहाँ से पैदल पैदल जाते हैं मेन मंदिर की ओर। तो ये देखिए हम जा रहे हैं मंदिर की ओर। तो हम लोग पहुंच चुके हैं अब मंदिर में। तो ये देखिए ये है मंदिर का गेट। तो दो गेट बने हुए हैं यहाँ पर और नीचे नहर है और ऊपर से हम लोग जाएंगे। तो आगे मंदिर है और मंदिर के अंदर तो वीडियो नहीं बनाने देते हैं, बाकी बाहर का मैं आपको दिखाती हूँ। और आज मेरा यहाँ तीसरी बार हो रहा है आना, क्योंकि मैं दो बार पहले आ चुकी हूँ। तो चलिए चलते हैं और दर्शन करते हैं और आपको भी दर्शन कराते हैं, जितना हो सकेगा उतना आपको दिखाएंगे। तो बने रहिएगा, माँ भद्रकाली के दर्शन करने के लिए तैयार रहिए। तो मंदिर में पहुंचते ही हम सबसे पहले धोएंगे हाथ पैर। तो यहाँ है नल और काफी ठंडा पानी आ रहा है, तो यहाँ से हाथ पैर धो के हम जाएंगे मंदिर को। तो ये है भद्रकाली मंदिर का प्रांगण। अब हम जाएंगे मैया के दर्शन करने और आपको दिखाते हैं यहाँ का सुंदर सा नज़ारा। तो इधर यज्ञशाला है, ये देखिए यहाँ पर होते हैं हवन। वहाँ पैर धोने गए थे हम, वहाँ पैर धो के आ गए हैं।
तो जो मेन माँ भद्रकाली का मंदिर है, मुख्य मंदिर वो है यहाँ, तो माँ भद्रकाली है यहाँ विराजमान अंदर। तो यहाँ का वीडियो मैं नहीं बनाऊंगी क्योंकि अंदर वीडियो बनाना नहीं है, पंडित जी मना कर रहे थे, तो इसलिए बाहर का दिखाती हूँ आपको। तो चलिए बाहर का, बाहर के दर्शन करिए आप, चारों ओर है मैया की। बाकी और बाहर से दिखाऊंगी मैं आपको मंदिर का नज़ारा। तो यहाँ सिर्फ बाहर बाहर ही मैं आपको दिखाती हूँ। अभी तो नीचे देखोगे तुम वहाँ तो और सुंदर नजारा देखने को मिलेगा। तो ये जो भद्रकाली गुफा है नीचे, यहीं से वो पानी जाता है नीचे को, ये गुफा यहीं से देखो। अभी हम जा रहे हैं गुफा के अंदर, यहाँ हैं शिव जी विराजमान और इनके जटा से नीचे को गंगा बहती है। तो नीचे जो गुफा है वो यहीं आती आके मिलती है, तो जो वो गुफा पार कर लेता है तो यहाँ पहुँच जाता है। और यहाँ रहते हैं इस गुफा के अंदर काफ़ी ज़्यादा चमगादड़, जो हमको नीचे से दिखेंगे, अभी यहाँ से नहीं दिखते हैं, यहाँ से कुछ कुछ दिखते हैं तो नीचे से दिखेंगे। तो अभी आपको सिर्फ हम यहीं गुफा के दर्शन कराएंगे ऊपर ऊपर ही। तो ये गुफा ना पाताल भुवनेश्वर वाली गुफा की तरह लगती है, तो वहाँ बिल्कुल उसी तरह के ये पत्थरों में जो बने हुए हैं ऊपर उसी तरह के दिख रहे हैं, और यहाँ चमगादड़ काफ़ी ज़्यादा हैं। तो चलिए आप भी दर्शन करिए यहाँ की, पाताल भुवनेश्वर की तरह यहाँ, मैं यहाँ मतलब पाताल भुवनेश्वर का जैसा ही आभास होता है। तो यहाँ पे हैं शिव जी, और ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पे हैं शिव जी विराजमान, शिव जी की मूर्ति बनी हुई है काफी सुंदर सी। और इस गुफा से नीचे है जो, तो वहाँ पे है काफी ज्यादा गहरा पानी का तालाब जैसा। तो अभी हम यहाँ से बाहर जाते हैं। अब गुफा देख लिए, अब जा रहे हैं हम असली गुफा देखने, जो है यहाँ की प्रसिद्ध गुफा, जो यहाँ पे आके मिलती है। तो ये है मंदिर, तो यहाँ पे भी एक मंदिर। तो अभी हम यहाँ से जाने लग गए हैं नीचे गुफा की ओर। तो यहाँ था मंदिर, तो यहाँ है मैया का मंदिर, जो हाँ वीडियो बनाना बिल्कुल अलाउ नहीं है, बट हमने आपको पहाड़ से दिखा दिया। अभी हम जाएंगे गुफा की ओर, अभी हम जाएंगे अब गुफा की ओर। तो यहाँ है नीचे गुफा जहाँ हम जाने वाले हैं अभी, और आपको भी लेके जाने वाले हैं। ये देखो अब हम दिखाएंगे आपको आज भद्रकाली की गुफा, हम जा रहे हैं भद्रकाली गुफा। तो ये है देखिए गुफा माँ भद्रकाली की, जहाँ हम आपको दिखाने वाले हैं आज। कहाँ से आप लोग? ऐसा पानी वहाँ फ्रीज में मिलता है, ऐसा पानी वहाँ फ्रीज में मिलता है, यहाँ नेचुरल पानी ये है। तो अब हम जा रहे हैं गुफा के अंदर। तो ये देखिए यहाँ काफ़ी ज़्यादा अंधेरा है, और काफ़ी ऊंची और काफ़ी चौड़ी गुफा है ये, और नीचे पानी का गधेरा टाइप का है, तो काफ़ी ज़्यादा पानी भी बहता है, आजकल तो पानी कम है। और इस गुफा के अंदर रहते हैं चमगादड़। तो अभी टॉर्च से मैं ऊपर को आपको दिखा नहीं सकती हूँ, क्योंकि जहाँ पर उजाला होता है ना वो वहाँ को अटैक करते हैं, तो इसलिए।
टॉर्च हम सिर्फ नीचे ही नीचे लगाएंगे और काफ़ी मुंह में भी आ रहे हैं क्योंकि वो उड़ते हैं तो मुंह पे भी लगते हैं। और देखिए कितना ख़तरनाक अंधेरा है इधर, और यहाँ भी हम नंगे पैर जा रहे हैं, चप्पल हमने बाहर खोली है क्योंकि गुफा के अंदर ऐसे नंगे पैर ही चलते हैं। तो यहाँ देखिए काफ़ी ज़्यादा अंधेरा हो रहा है, अभी हम लोग टॉर्च जला के आ रहे हैं बाहर से, तो बाहर दिख रहा है हल्का सा उजाला और हम लोग आ चुके हैं काफ़ी अंदर। तो काफ़ी लंबी है वैसे ये गुफा चलते चलते, और चमगादड़ों का तो पूरा घर है यहाँ, तो पूरे चमगादड़ रहते हैं इधर। तो चलिए दर्शन करते हैं गुफा के। तो ये गुफा ऊपर जहाँ पर शिव जी की मूर्ति मैंने आपको दिखाई थी, बस वहीं पर जाके मतलब बहुत कम लोग इसे पार कर पाते क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा पानी का एक कुंडी टाइप का बना हुआ है, तो उसको पार करना बहुत कठिन है, तो इसीलिए वहाँ पर तक सब लोग जाते हैं, उससे पार बहुत कम जाते हैं। तो और कोशिश भी नहीं करते हैं क्योंकि यहाँ गहरा है और अंधेरा इतना है और चमगादड़ अलग हैं, इसकी वजह से डर रहता है। तो चलिए हम भी जाते हैं गुफा में और आपको भी दिखा के लाते हैं भद्रकाली मैया की गुफा आज। तो हम सब लोग जा रहे हैं अभी अंदर को। तो हम लोग पहुंच चुके हैं गुफा की अंदर, जहां तक गुफा जा रही है। तो यहां पर है शिव जी के मूर्ति के नीचे का कुंड, तो हम यहां पहुंच चुके हैं अभी। इससे आगे मुश्किल होता है जाना और यहां काफ़ी अंधेरा हो रहा है, तो जिसकी वजह से साफ नहीं आ रहा है। तो हम जाएंगे यहां से वापस। तो हमने देख ली यहाँ की गुफा और अब हम जा रहे हैं वापस। तो यहीं पर तक आते हैं, वैसे इससे आगे मुश्किल होता है जाना, और देख सकते हैं आप कितना अंधेरा है और नीचे से है पानी, ऊपर से है चमगादड़। तो अब हम लोग चलते हैं बाहर को, तो अब बाहर से आपको दिखाएंगे नज़ारा बाहर का। तो अभी हम आ गए हैं अब बाहर, और ये देखिए बाहर से कुछ इस तरह का है। तो सब जगह यहाँ गुफाएँ जैसी दिख रही हैं और यहाँ पर मैया की मूर्ति रखी हुई है। और ये देखिए अब यहाँ पर हम फोटो खिंचाएंगे, तो यहाँ पर काफ़ी सुंदर सा एक साइड से पानी आ रहा है, हल्का झरना जैसा, और इस वाले में भी पानी आता है लेकिन अभी बारिश नहीं हो रही है। और यह देखिए यहाँ का चारों ओर, अब यहाँ देखो अब लकड़ी वकड़ी लेके चल रहे हैं, हम ये लकड़ियाँ क्यों ले जा रहे हैं वो हम अभी आपको दिखाएंगे। और अभी हम आ चुके हैं फोटो खींच के और वीडियो बना के और यहाँ अंदर गुफा देख के, तो अब हम आपको दिखाएंगे अब हम क्या करने वाले हैं इससे आगे, इससे आगे का कार्यक्रम दिखेगा आपको अभी ऊपर जाके। तो ये देखो यहाँ थी गुफा, हम आ चुके हैं अब ऊपर मंदिर में और अब हम करेंगे अपना कार्यक्रम शुरू जो कार्यक्रम है पेट पूजा का, सबसे मुख्य कार्यक्रम। और अभी चार भी बज चुके हैं अभी शाम के टाइम के, और लकड़ियाँ लेके जा रहे, तो इससे हम बनाने वाले हैं भूमिपूजन का प्रबंध हुआ है। तो यहाँ मैंने आग लगा दी है, आग लगाने का काम मैं बहुत अच्छे से करती हूँ, देख सकते हैं आप ये पूरी निष्ठापूर्वक। तो यहाँ तो हमने यहाँ पर पत्थरों से चूल्हा बना के इसमें आग भी जला दी है, और अब हम इसमें आज बनाने वाले हैं मैगी। पत्थर से पत्थर टकरा के वो जलाए वाला आग और हम आर्चिस नहीं लाए थे, हमने पत्थरों से आग जलाई है आज। हाँ फिर पत्थर, तो आग हमारी जल चुकी है, तो अभी हमारा आने वाला है डेक, तो उसमें हम बनाएंगे मैगी, तो आपको दिखाएंगे। आ चुका है हमारा सारा सामान, उसमें बनने वाली है मैगी यहाँ पे, और यहाँ पे मंदिर, और इधर हम सब बनाएंगे मैगी। और ये चल रहा है यहाँ काम हमारा, देखो। तो अब ये प्याज हमारा तल गया मैगी के लिए, मैगी की तैयारी हो रही है। यहाँ पे टमाटर मिर्च सब है, वहाँ आग जल रही है, इधर जल रही है आग। ये आग तनुजा जी द्वारा ही लगाई, ये मैगी की तैयारियाँ हो चुकी है, जो अभी हम खाना खाने वाले हैं वो ये सारी चीज़ें हैं। चाय आ चुकी है, चाय अभी चाय बनाई है, चाय बहुत टेस्टी बनी है। पहले उस डेग में हमने चाय बनाई, उसके बाद अब उसमें ही मैगी बनेगी, क्योंकि हम तो मैगी में प्याज डाल चुका है पहले और आग लगी है बढ़िया सी, और ये पक रहा है और यहाँ पर मैगी बनने वाली है अभी हमारी। ये देखो
और टमाटर प्याज कट चुका है, टमाटर भी कट गया है, प्याज डल गया है। तो यहाँ मैगी बनने वाली है, मसाला डल चुका है मैगी में। ये देखिए यहाँ पर हो रही है आज जंगल में मैगी पार्टी। जंगल में नहीं, भद्रकाली में। वाले यात्री नहीं उनको ये देखो हम मैगी बनने लग गए हैं। जब तक यहाँ बन रही है मैगी, हम लोग खेलते हैं गेम। आपको भी दिखाते हैं कौन सा गेम खेल रहे हैं हम। नानी को, नानी गई लंदन, नानी गई लंदन ना, नानी को मनाएंगे, रसमलाई खाएंगे, रसमलाई अच्छी हमने खाई, मच्छी मच्छी में काटा चाटा, नमस्ते हमने खाए समोसे, समोसे बड़े सस्ते, लाला जी नमस्ते, मुझे जी नमस्ते। मैगी का मैगी बन के हो गई है तैयार, 2 मिनट में हो गई है छियामिया, और इसके साथ खाने बन, और यहाँ मेरी लगाई हुई आग बुझा दी गई, मेरे द्वारा लगाई गई आग बुझा दी गई है। और अब हम खाएंगे मैगी, और हम यहाँ पार्टी मना रहे हैं, और सोनू यहाँ से देख रहे हैं। मेरी है ये देखो, अभी चल रही है यहाँ पर, अब मैंने रखे है ये रशा। तो ये देखिए हमारी पार्टी शुरू होने वाली है अब, तो अब खा पी के हम जाने लग गए हैं घर को। तो आज हमने आपको दिखाया भद्रकाली मंदिर, और जिसको भी आप आना हो आ सकता है यहाँ आराम से, और यहाँ खाना भी बना सकते हैं। आइए और खाना बनाइए और खा के जाइए, दर्शन भी करिए, साथ साथ यहाँ के मौसम का भी आनंद लें। अब हम जा रहे हैं वापस घर को। ये हो मैया, बुलाते रहना और अच्छे से घर पहुँचा देना। अब हम चल रहे हैं यहाँ से गाड़ी में, क्योंकि पैदल हमने काफी ऊपर तक जाना है, तो इसलिए हम गाड़ी से ही जाएंगे अभी, और पैदल जाने की ताकत नहीं आ रही, और एक ही थक गई, ये आई नहीं पा रही। इतना मस्त मौसम हो रहा है ना यहाँ का, बड़ा मजा आ गया। तो चलते हैं अपने सफर को करेंगे शुरू। बोलो भद्रकाली मैया की जय, बोल साचे दरबार की जय, आज के आनंद की जय, हर 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 महादेव। तो अभी हम रुक गए हैं काफी सुंदर सी जगह पे,
यहाँ से आपको दिखाते हैं यहाँ का सुंदर सा नजारा। अब यहाँ से भी हो रही है हमारी वापसी घर को। ये अब यहाँ मैगी का असर होने लग गया धीरे धीरे, एक लेट हो चुकी है एक आगे है। मैगी में ये है मैगी का असर। टायर का वजन इसमें लग रहा है जामा फंस गए हैं। तो हिंदी बोल रहे वहाँ गुफा में चमगादड़ दिख के आए हो। जाम खुल चुका है ये देखो हम कैसे बैठ के आ रहे हैं आज। और इनका यहाँ अलग ही चल रहा है दीवानजी थोड़ा उधर भी चलना। हाँ तो हम लोग आ चुके हैं अब आगे और यहाँ से देखिए बागेश्वर का सुंदर सा नजारा रात में कितना प्यारा लग रहा है यहाँ से बागेश्वर, हमारा जिला बागेश्वर। तो चलिए चलते हैं अब यहाँ से आगे को। मोड़ से हमारे वहाँ का नजारा बड़ा मस्त लगा। ये हमारा गांव, ये है ये वाला हमारी बकरी, ये हमारी बकरी यहाँ पर। हाँ तो अभी हम पहुंच चुके हैं शाम को 9 बजे घर और अंधेरा भी हो गया है और काफ़ी बढ़िया रहा हमारा आज का टूर, बहुत मजे आए, हमने काफ़ी किया एंजॉय। तो आप लोगों के भी साथ हमने शेयर किया ये मोमेंट अपना, कैसा लगा आप लोगों को कमेंट करके ज़रूर बताना। तो चलिए अब इस ब्लॉग को कर लेते हैं पेंट, मिलते हैं जल्दी आपको एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक ले वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और जो चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बाय बाय। जय देवभूमि, जय उत्तराखंड, शुभ रात्रि।